नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के फाइनली अपडेट निकल करके आ गई है। कब रिजल्ट देख पाएंगे और साथ ही साथ किसका किसका रिजल्ट जारी होगा, बाकी रिजल्ट कब जारी होंगे, सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के काउंटडाउन फाइनली शुरू हो गया है। आज दोपहर के बाद किसी भी समय रिजल्ट आपका जारी हो सकता है। पहले अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, जो रिजल्ट जारी हुए हैं मोस्टली रिजल्ट शाम के समय आपको ही जारी होते हुए देखने को मिलते हैं, परंतु जो अपडेट निकल के आई उसमें ये बताया कि दोपहर के बाद किसी भी समय रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। आगे भी बताया गया है कि सुबह 9:30 बजे ही आयोग पहुंचे अध्यक्ष, और साथ ही साथ सभी मेंबर्स वगैरह भी जो है वो पहुंचे थे आयोग का जो कार्यालय, वहां पर मीटिंग वगैरह सारी चीजें क्या फाइनलाइज कैसे की जाएंगी उसी सारी चीजों को लेकर के, बाकी अधिकारी और मेंबर्स की सहमति के बाद ही जो है इस रिजल्ट को लेकर के लिया गया है फैसला कि जारी होगा। और साथ ही साथ आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो करेंगे आज रिजल्ट को लेकर के घोषणा। अगर आप पिछले रिजल्ट को उठा करके देखेंगे तो वहां पर क्या देखने को मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही अधिकतर रिजल्ट जारी होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने अभ्यर्थी में से कितने पास हुए, इस तरीके की कई जो इंफॉर्मेशन उसको साझा किया जाता है। ये भी संभावना हो सकती है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप से जारी हो, दोनों प्रकार की कंडीशन लागू हो सकती है। बाकी जो अध्यक्ष हैं वो जो रिजल्ट है उसको लेकर घोषणा करेंगे, इस बात को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही 1 से 5 और 6 से 8 दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी होगा, ये पहले भी बताया गया था और अभी भी वही चीज को क्लियर किया गया है, अलग अलग जारी नहीं होगा। ये चीज हो सकता हो कि आपका रिजल्ट निकलने के क्रम में 1 से 5 का निकलना स्टार्ट हो, फिर 6 से 8 का उसी क्रम में निकले, बाकी दोनों ही जारी होंगे एक साथ। बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करते हैं तो उसका बाद में जारी होगा रिजल्ट, और आयोग को टीजीटी और पीजीटी का फिलहाल अभी तक कोई रोस्टर नहीं मिला है, उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया, और रोस्टर नहीं मिला है इसीलिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये था हमारे सोरल अपडेट में, जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है ऑफिशियल वेबसाइट से या रिजल्ट को लेकर के हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और सभी को एडवांस में शुभकामनाएं सभी का सिलेक्शन होने के संदर्भ में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।